भोपाल में चल रहे बजट सत्र में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। सीधी में हुए बस हादसे पर शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री व गृह मंत्री तीनों जिम्मेदार हैं। इसी के साथ ही उन्होंने मामले की न्यायिक जांच कर कलेक्टर, एसपी, आरटीओ तथा टीआई को निलंबित करने की मांग की है। बजट से तो कोई उम्मीद है नहीं कि उन्होंने पहले ही लोगों का बजट खराब कर दिया है। 100 रुपए पेट्रोल डीजल और रसोई गैस 800 रुपए हो गए। हर चीज, तेल, आटा, इनकी सब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ये डीजल पेट्रोल बेच के और शराब बेच के ही सरकार को चला रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज जी। इसमें हमारी मांग है कि जो लोगों को रोज़गार नहीं मिला, कोविड-19 में 14 लाख से ज़्यादा लोगों का रोज़गार चला गया, 30 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन है, ये इनको रोज़गार कैसे देंगे ये बताया जाए इस बजट के अंदर। इस बजट में हमारी मांग है कि वेट टैक्स जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है वो कम किया जाए। ये हमारी मांग है। जो कर्मचारी हैं जिनका डीए नहीं दिया, जिनको एरियस नहीं दिया, जिनकी जो समिति है कर्मचारियों की, उनकी सालों साल से मीटिंग नहीं हुई, जो प्रदेश स्तर पे, डिविजनल और जिला स्तर पे वो होना चाहिए, ये सब हमारी मांग है कि इस बजट में परिलक्षित होना चाहिए। और सबसे बड़ा जो है रोजगार और किसानों की जो ऋण माफ़ी रोकी है 27 लाख के बाद, वो किसानों को ऋण पूरा माफ़ किया जाना चाहिए। और ये बार बार बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास की, वो आवास के काम पूरे बंद हैं भोपाल और मध्य प्रदेश में। लोगों को, गरीबों को आवास मिले उसका कोई इस बजट के अंदर आना चाहिए। और भोपाल का मास्टर प्लान जो रोक दिया है सरकार ने आके, क्योंकि मास्टर प्लान बनता है तो वर्ल्ड बैंक से और दूसरी एड मिलती हैं और विकास होता है शहर का, वो मास्टर प्लान के बारे में भी चर्चा करें। सीधी बस मामले में पूरी की पूरी सरकार जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी और परिवहन मंत्री तीनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि मैंने सदन में पढ़ के बताया एसपी पुलिस का आदेश कि 5-6 दिनों से चुहिया घाटी उस पर जाम लगा था। नेशनल हाईवे 39, 5-6 दिन हाईवे और सरकार, वहाँ का प्रशासन उसको हटा नहीं पाया। और इसलिए बस जिसमें 30 सवारी की थी, 61 सवारी बैठी, वो नदी में बस गिरी और 54 लोगों की जान चली गई। हमारा सीधा सीधा कहना है कि इसकी न्यायिक जांच भी हो, कलेक्टर, एसपी और आरटीओ तीनों निलंबित हो, जो वहाँ का टीआई है वो निलंबित हो, और साथ ही इसकी न्यायिक जांच के बाद सही रिपोर्ट लाई जाए और 1 करोड़ रुपये उस परिवार को दिए जाएँ जिसके घर से जान गई है, और साथ ही नौकरी दी जाए उस परिवार से किसी की भी, क्योंकि ये परीक्षा देने जा रहे थे, एएनएम की परीक्षा देने जा रहे थे, वहाँ जान गई। और अगर ये दूसरा ये कि सतना, ये व्यापन ने सतना उसका सेंटर रखा था, अगर ये सीधी सेंटर होता, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा थी, सीधी भी हो सकती थी, और जिस तरह से व्यापम में जाने गई, एक बार फिर ये दूसरा व्यापम कांड हुआ जिसमें लोगों की जाने गई, युवाओं की जान गई है, तो ये सेंटर वहाँ पर हो, ये भी सुझाव दिया है, इसकी न्यायिक जांच हो। परिवहन विभाग केवल चौकी बांटने में नहीं लगे, और इसीलिए मैंने कहा क्योंकि इसमें कार्रवाई हुई नहीं, जनता वहाँ के 54 लोग परिवार संतुष्ट नहीं है, लोग संतुष्ट नहीं है। एक मच्छर के मुख्यमंत्री को काटने पर पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर सस्पेंड हो सकता है, तो मैंने कहा कि भाई हम तो उस ढूंढ रहे हैं उस मच्छर को, उसका नागरिक अभिनंदन करेंगे कि मंत्री और विधायक ये तो सस्पेंड करा नहीं पा रहे, तुमने बड़ा दम मारा काट के और सस्पेंड करा दिया, और आप लोगों के कैमरे में कहीं मच्छर मिल जाए तो कृपा करके वो हमें दें, तो उसका नागरिक अभिनंदन करें।